हराम चीज पर बिस्मिल्लाह बोल को कहे तिरुपति के लड्डू हलाल नहीं होता। कोई भी चीज फाते अंग का कहते, ग्यारहवें अंग का कहते, नन्हे बड़े अंग का कहते, महबू सुबानी का कहते, अरे वो कई का वो अल्लाह मियाँ की बासन कहते, कैसे कैसे नामा रखेंगे। तो वो कब बनाती मालूम, बकरीद में बनाती, शायद तुम ना मालूम नहीं रहेंगे, हमारे कर्नाटक में भल्ला कब बनता है, अल्लाह मियाँ की बासन कहते। मैं बोले अल्लाह मियाँ की बासन, वो कई का भाई ए बड़ी बासन रहती, मस्त घी रहता, उसमें क्या जबरदस्त मेवे रहती, काजू बादमा वो ये रहती, अल्लाह मियाँ के नाम पर फाते अंजला डाल, खाओ रे कौन खातेंगे। मतलब क्या वो अल्लाह मियाँ की बासन का तो क्या भाई, अल्लाह के नाम पर वक्फ भाई, अल्लाह के नाम पर फाते अंजला कौन खाती, अल्लाह बख्श डालता। कौन बोले तुझे ये तुझे कौन बोले, बनाने वाले कहां कहां के बसाना बना ले, अल्लाह मियाँ की बासन बना डाले। अल्लाह अकबर, ये तमाम चीज खुराफात में शामिल, तमाम चीज खुराफात में शामिल। उन्हें कौन मुर्शद मोर्चा लेकर आता, मोर का खट्टा उन्हें कई लेकर आता मालूम, ऊपर से ऊत का धुआं ही अंगे छंगे में छोड़ता, इन लगड़े तक धड़क तो ऊपर से देता, उन झुक रहे का था पहले, नीचे झुक को हु का था, उसके हंगे में धुआं जग हूं लगड़े तक पीठ में धन का दियासत पूरा मलिदा उठा अंदर कर ले छोड़ता। अस्तगफिरुल्लाह, क्या ये उन्हें कई मारता, इन्हों कई मारा खाती क्या दीवाने, क्या मारा खाने, मारा खाए सोलह पूछा मैं कई मारा खाया था बाप, पहले कई मारा खाया था, उन्हें क्या बोलता, उन्हें कत्ता दबाक मारे वत्ता गुना झड़ता कहते इसका। अस्तगफिरुल्लाह, है ऐसा इस्लाम में, ऐसा है क्या जी, अरे मोर के कट्टे लेक मारे गुना झड़ती क्या जी। अल्लाह अकबर। जबकि इस्लाम में एक सही हदीस क्या है मालूम, हजरे अस्वद, काबतुल्लाह के कोने में जो हजरे अस्वद है, जन्नत का पत्थर है वो, अल्लाह ने उसे जन्नत से नाजिल किया। अल्लाह के नबी की हदीस है उसके बारे में, जो शख्स काबतुल्लाह को जाएगा, हजरे अस्वद का बोसा लेगा या हजरे अस्वद का इस्तेलाम करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह इजाजत देगा हजरे अस्वद को कि उनके हक में वो सिफारिश करे। जितने लोग हजरे अस्वद का बोसा लिए हैं या इस्तेलाम किए हैं, वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से उनके हक में सिफारिश करेगा। और अल्लाह के नबी ने यह भी कहा, उस पत्थर के अंदर यह तासीर है कि वो लोगों के गुनाह चूसे, वो लोगों के गुनाह चूसता है जब उसे बोसा दे। ये नबी की हदीस, वो हदीस आने के बाद ही छमना मालूम है, वरना मालूम नहीं था। इतनी बड़ी तासीर है उस पत्थर के अंदर, उसके बावजूद उमर बिन खत्ताब क्या बोलते हैं, क्या बोलती उमर बिन खत्ताब, अरे हजरे अस्वद ये सुन ले, तू अपने अंदर ना नफा का इख्तियार रखता है ना नुकसान का इख्तियार रखता है, तू एक पत्थर है, पत्थर के सिवा कुछ नहीं, कसम मेरे अल्लाह की मैंने मेरे नबी को तुझे चूमते हुए देखा है, बस मेरे नबी की इत्तेबा करते हुए मैं तुझे चूम रहा हूं, अगर मेरे नबी तुझे ना चूमते कसम मेरे अल्लाह की मैं तुझे कभी बोसा नहीं देता। इसे बोलती इत्तेबा, इसे बोलती इताअत, जबकि वो हदीस रसूल है, उसके अंदर गुनाह चूसने की तासीर है, उसके बावजूद हम क्यों उसे मानती, हम क्यों बोसा देती, हमारे नबी की तालीम है उसके बारे में। ये मोर्चे, ये कट्टे, ये लोगों के अकीदे बिगाड़ने वाले काम हैं, लोग इसमें अंधाधुन होकर उनके अकीदत में पड़ते हैं कि आप हमारे मुर्शद हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे। क्यों भाई, अल्लाह अखले सलीमा नहीं दिया क्या, अल्लाह ताला हमने अखले सलीमा नहीं दिया, सोचने वाला दिल, समझने वाले दिमाग नहीं दिया, क्यों नहीं समझते हम। कोई एक मोर्चे का कट्टा लेकर मारेगा तो गुनाह कैसे जी झड़ेंगे, कैसे जी झड़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया में खुराफात भी बनाया, हिदायत भी बनाया, इसलिए बनाया, कौन है मेरा बंदा ऐसे खुराफात से बचते हुए तौहीद पर अमल करे, ये देखने के वास्ते अल्लाह बनाया।